कोविड वैक्सीन की पहली खेप ब्लॉक मुख्यालय प्रतापपुर पहुंच चुकी है। पहली खेप में 200 डोज मिले हैं। इस माह की 16 तारीख दिन शनिवार को ब्लॉक में टीकाकरण अभियान का शुभारंभ होगा। स्वास्थ्य कर्मी मितानी एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पहले टीका लगवाया जाएगा। बीएमओ डॉक्टर राजेश श्रेष्ठ ने बताया कि अभी 200 डोज मिला है। पहले दिन टीकाकरण वाले कर्मियों का चयन कर लिया गया है। कोरोना वॉरियर्स को सबसे पहले टीका लगाया जाएगा, जिसमें स्वास्थ्य कर्मी, सुरक्षा कर्मी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और मितानिन शामिल है। एक दिन पूर्व उन्हें मोबाइल से सूचित कर वैक्सीन लगाने बुलाया जाएगा। उन्होंने सभी से अपील करते हुए कहा है कि जिसे टीका के लिए बुलाया गया है वह हाफ शर्ट कपड़ा पहन के आए। उन्होंने यह भी कहा कि ब्लॉक स्तर का पहला टीका मैं लगाऊंगा। बधाई की जिस चीज को लंबे समय से सुनते आ रहे थे आज हमारे दरवाजे तक पहुंच गई है। और हमारे पास अभी जो डोज आई है 200 डोज है कुल। हमारे ब्लॉक में कुल 1671 लोगों को ये टीका लगना है। पहले दौर में इसमें स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी वाले और मितानिने हैं। लेकिन पहले दौर में हमने कल 50 लोगों का नाम इसमें सिलेक्ट किया है, क्योंकि प्रक्रिया में थोड़ा टाइम भी लगेगा, पहली बार शुरू हो रहा है इसलिए, तो इसलिए कल 50 लोगों को टीका लग जाए। उसके बाद से प्रक्रिया निरंतर रूप से चलती रहेगी।